तो रोहित भाई, कोहली भाई, धवन भाई, सूर्या भाई, ईशान भाई, फटाफट उतरो। जहाँ मेले में आना था गांव आ गया है। फटाफट मेरे पैसे दे दो, 200 रुपये सभी। देखो भाई बंद, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। मैं तो लुंगी पहन के आया था, तो लुंगी में पैसे लाना भूल गया हूँ। अब तुम वापस गाँव ले जाओगे, उसके बाद ही पैसे दूंगा। और अगर तुम मेरे को यहीं छोड़ के चले गए, तो मैं तो तुम्हारा बेल खोल के बेल के ऊपर बैठ के चला जाऊँगा। हाँ भाई पंत, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मैं तो पूरा बटवा भर के लाया था, लेकिन देखो किसी ने जेब कतरे ने जेब काट लिया है, तो मैं भी बिल्कुल नंगा भूखा हो गया हूँ। अब तुम मेरे को भी अगर वापस गांव छोड़ दोगे, तो गांव पहुंचने के बाद जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब मैं दूंगा तुमको पैसे। देखो भाई पंत, मैं तो पूरी मेज पीस लेके तुम्हारी बैलगाड़ी में चढ़ा था। 3.5-4 लाख रुपए थे, लेकिन जब मैं अभी तुम्हारी बैलगाड़ी से नीचे उतरा हूँ, तो मेरा पर्स मुझे नहीं मिला। अब तो तुम मेरा 3.5-4 लाख रुपए दो, वरना मैं तो तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सोच लो भाई पंत, आप लोग मेरा गरीबी में आटा गीला क्यों कर रहे हो? जब मैं आपको वहाँ से यहाँ लाया था, तो पहले ही बात हो गई थी कि 200 रुपये लूंगा यहाँ तक लाने के, लेकिन आप तो यहाँ बिल्कुल पैसे ही नहीं दे रहे मेरे को। पैसे नहीं दोगे तो मैं मेरे बैलों को काजू बादाम पिस्ता कैसे खिलाऊंगा? क्योंकि मेरे बैल जो हैं, वो बैलगाड़ी जितने के पहले रोज काजू बादाम पिस्ता खाते हैं। अरे पंत मेरे भाई, तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। क्योंकि मैं जिस आदमी से पैसे मांग रहा हूँ, वही गाँव में रहता है। मैं उसके पास पैसे लेने जा रहा हूँ, अगर वो दे देगा तो मैं तुमको 100 की जगह 200 दूंगा, वरना तुमको तो यार पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे मेरे भाई अर्षी और सूर्या भाई, आप तो कम से कम मेरा 100-100 रुपये दे दो, वरना मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बैलों को मैं क्या खिलाऊंगा? अरे पंत भाई देखो, मैं तो छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा, कितना भोला सा साथी हूँ आपका। मैं तो पूरी देखने आया था आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ इसलिए आया था कि आप लोग मेरा खर्चा उठाओगे। मेरे मम्मी पापा ने आज पैसे नहीं दिए हैं मेरे को। हे ऊपर वाले, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है। अरे आप लोग तो मुझे करोड़पति अरबपति समझ रहे हो। मैंने जैसे तैसे लोन लेके बैलगाड़ी और बैल लिए थे, और सोचा था कि चलो गांव से मेले तक, बाजार तक लोगों को बैठा बैठा के पैसे वसूल करूंगा, और कमा कमा के उर्वशी के लिए इकट्ठा करूंगा, ताकि हम बाद में शादी करें। अरे सूर्या भाई, अब आप बच्चे हो तो कम से कम आप तो 100 रुपये दे दो, यहाँ से साग सब्जी ले जाऊँ तो कम से कम शाम को खाना बन जाएगा मेरे घर पे। पंत तुम्हारे बैल भड़क रहे थे, तो मैं कब से संभाल रहा हूँ ताकत लगा लगा के, उल्टा तुम मुझे पैसे दो।